नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम मोदी ने की मन की बात। कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया है। डिजिटल अरेस्ट में हर वर्ग के लोग शामिल है। कोई एजेंसी फोन पर पूछताछ नहीं करती है। फ्रॉड कॉल आने पर रुको, सोचो, एक्शन लो। फ्रॉड कॉल आने पर 1930 पर जानकारी दे। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने अपने मन की बात में कहा कि डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया है और उन्होंने साफ कहा है कि सावधानी जरूर बरते। कोई एजेंसी फोन पर पूछताछ नहीं करती। अगर ऐसा कोई भी फोन आता है तो सबसे पहले आप रुकिए, सोचिए और उसके बाद एक्शन लीजिए। बिना सोचे समझे ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिसका खामियाजा आपको, आपके परिवार को भुगतना पड़े। तो फ्रॉड कॉल आने पर 1930 पर जानकारी दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नंबर भी कहा कि 1930 पर कॉल करके फ्रॉड कॉल के बारे में जानकारी दे। पीएम डिजिटल अरेस्ट को लेकर उन्होंने मन की बात में जिक्र किया है। पीएम मोदी के मन की बात को लेकर ये जानकारी, जहां कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया गया है। तो डिजिटल अरेस्ट में हर वर्ग के लोग शामिल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां कोई एजेंसी फोन पर पूछताछ नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आप क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात की और खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट पर पीएम मोदी का फोकस रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो डिजिटल अरेस्ट के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से देश के लिए एक चिंता का विषय भी है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वाले वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं और लोगों ने डर की वजह से अपने मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा, कभी भी आपको इस तरीके का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरीके की पूछताछ नहीं करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सुझाव भी सुझाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल सुरक्षा के तीन चरणों को उन्होंने बताया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीन चरण है, पहले रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं। इसके अलावा शांत रहे, जल्दीबाजी में कोई भी कदम ना उठाए। किसी को भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना भी संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण में बताया कि सोचो कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसी धमकी नहीं देती है, ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, ना ही ऐसे पैसे की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी दी कि एक्शन लो, यानी कि राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करो। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें और परिवार और पुलिस को भी सूचित करें और सबूत जो है वो सुरक्षित रखें। आपने देखा होगा किस तरीके से आमतौर पर आप लगभग ज्यादातर लोगों को इस तरीके की कॉल आ रही है और कई जगहों पर जो फेक कोर्टरूम है वो भी बना रखा है करने वालों ने, करने वाले आरोपियों ने। इसके अलावा पुलिस स्टेशन भी इन लोगों ने बना रखा है। तो ऐसा प्रतीत होता है जब इस तरीके की कॉल आती है तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि ये कॉल जो है वो रियल है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग विषयों पर भी नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात के जरिए फोकस रहा, खासतौर पर भारतीय कला की बात करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विदेश दौरे का भी जिक्र किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लाओस दौरे पर गए हुए थे और नवरात्रि का वो समय था, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने बहुत कुछ अद्भुत वहां पर देखा। जिस तरीके से वहां पे स्थानीय जो कलाकार हैं वो फलक फलम जो प्रस्तुति है वो उसकी बारे दे रहे थे। इसके अलावा लाओस की रामायण का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात के कार्यक्रम के जरिए किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सभी चीजों का जिक्र किया है। आमतौर पे जिस तरीके से कुवैत में अब्दुल्ला अल बारून ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्य मात्र अनुवाद नहीं है बल्कि दो महान संस्कृतियों के बीच का एक सेतु है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब भी मन की बात करते हैं तो फिटनेस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी फोकस रहता है। प्रधानमंत्री ने फिटनेस का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत में अब लोग फिटनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। हमारे स्कूल बच्चों की फिटनेस पर और भी ज्यादा जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए कई महत्वपूर्ण विषयों का जो है वो जिक्र किया है और हर बार कुछ नया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई बात जो है वो देश को बताते हैं। और इसी दिशा में डिजिटल अरेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए और एहतियातन शिकायत किस तरीके से की जा सकती है इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने सूचना दी है।
ठीक है पीयूष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।